అంబర్పేటలోని వాటర్ వర్క్స్ గ్రౌండ్ లో భారత్ చోడో ఆల్ ఇండియా అండర్ 19 క్రికెట్ పోటీలను టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత విహెచ్ హనుమంతరావు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పాదయాత్ర చేశారని చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డి. యువతకు క్రీడలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. इस मौके पे हमारे बड़े भाई फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, फार्मर राज्यसभा मेंबर, फार्मर मिनिस्टर, फार्मर एमएलए हनुमंतराव जी ने जो राहुल गांधी जी जो संदेश दिए, वो संदेश लेकर तेलंगाना हर गली में, हर मोहल्ला में, हर युवा को ये भारत जोड़ने में शामिल करने के लिए उनका जिम्मेदारी निभा रहे, बहुत कुछ कोशिश कर रहे. वही सोच में आज भारत जोड़ो अंडर 19 क्रिकेट प्रोग्राम लिए, इसमें हमारे मित्र तमिलनाडु से एमपी एमएलए हसन हमारे भाई आए, और मंच पे डॉक्टर रोहिन रेड्डी, यहाँ के पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र रेड्डी, वरंगल के अध्यक्ष रामलू नायक, फार्मर एमएलसी अनिल कुमार यादव, आईवाईसी नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मल्ल रवि जी, फार्मर एमपी नरसिम्हा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट बोलू किशन, नगेश मुद्रास, रोहित मोटा, रोहित, बहुत सारे लोग मंच पे बैठे हुआ है. ये क्रिकेट में और कांग्रेस जोड़ने में हनुमंत राव जी का बहुत योगदान है, क्योंकि बहुत सालों से अभी तेलंगाना में सीनियमोस्ट लीडर, अगर कांग्रेस में किसी का नाम लेना है तो पहले हनुमंत राव जी का नाम लेना है, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं यही.